2025 के विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार अपने पार्टी के बिहार प्रदेश के इकाई के साथ आज हम बैठक कर रहे थे। नीतीश कुमार इस बैठक में टास्क दे दिए हैं कि 2025 में उनके चेहरे पर ही जनता दल यूनाइटेड अपने सहयोगियों के ऊपर दबाव बनाकर चुनाव लड़ेगी। एनडीए के उम्मीदवार होंगे नीतीश कुमार, ये दावा जनता दल यूनाइटेड की बैठक में जेडीयू नेता कर रहे थे। इस बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि अब एनडीए के अंदर जनता दल यूनाइटेड के अलावा जो सहयोगी पार्टी बीजेपी, हम, चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उनके जिला अध्यक्षों के साथ नीतीश कुमार बैठक करेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है। नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री हैं तब से अमूमन ऐसा नहीं होता था कि वो अपने अलावा दूसरे दल के जिला अध्यक्ष के साथ बैठक करें, लेकिन नीतीश 2025 के चुनाव जीतना चाहते हैं और बड़े पैमाने पर सीटें जीतना चाहते हैं। 225 सीटों का लक्ष्य रखा गया। नीतीश कुमार की यह बैठक जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश दफ्तर में हो रही थी, राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी और इस बैठक में कई प्रस्ताव पास किए गए और इस बैठक का उद्देश्य था नीतीश कुमार के चेहरे के सहारे 2025 का चुनाव लड़ना। जेडीयू को इस बात की बेचैनी थी कि कहीं बीजेपी बीच में कोई नया खेलना शुरू कर दे, लिहाजा चुनाव के पहले ही जेडीयू अपने पत्ते साफ करके सीधे तौर पर खोल के ये सहयोगियों को स्पष्ट जो है वो बताना चाहती थी कि किसी भी सूरत में नीतीश कुमार के चेहरे के अलावा किसी और के ऊपर दाव नहीं लगेगा। जेडीयू दफ्तर में आज क्या कुछ हुआ, हमारे सहयोगी सदन वहां मौजूद थे, इनसे समझेंगे कि नीतीश कुमार को मिशन 2025 के लिए चेहरा जेडीयू ने अपने तरफ से बना दिया और सहयोगी दलों से भी उम्मीद की है कि नीतीश के नाम पर ही चुनाव लड़े। इसके अलावा प्रदेश के अंदर आज क्या कुछ हुआ, बाढ़ को लेकर कई जगहों पर सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव जो सांसद है उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ कई आरोप लगाए, वहीं बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री ने भी अपने ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अपने क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों के बीच में अन्य लोगों की समस्याओं को लेकर मोर्चा खोला है। पूरे मामले की बात करेंगे। फिलहाल सदन चलते, सदन जेडीयू दफ्तर में आज क्या कुछ हुआ है और नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू ने क्या कुछ रणनीति बनाई है। आज राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें ये नारा दिया गया, रोजगार और जो नौकरी जो दिया गया उसको लेकर नीतीश कुमार 2025 का ये नारा था, सीधे तौर पर नौकरी और रोजगार मतलब नीतीश कुमार, ये एक नारा दिया गया, ये एजेंडा सेट किया गया और ब्लू प्रिंट भी तैयार कर ली गई कि 2025 में किस तरीके से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये भी एजेंडा सेट किया कि जो भी जितने भी जिला है वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, चाहे उनके सहयोगी दल हो, एनडीए के जितने भी सहयोगी दल, उनके साथ वो मीटिंग करेंगे। कहीं ना कहीं 2025 चुनाव को लेकर कोई भी कसर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छोड़ना नहीं चाह रहे। सदन, जब आप जनता दल यूनाइटेड दफ्तर में थे उस वक्त नीतीश कुमार वहां पहुंचे, गर्मजोशी से स्वागत किया गया, एक पोस्टर लगाया गया था नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की जा रही थी। जी, ये पोस्टर कार्यकर्ता के द्वारा लगाया गया था और कई नेताओं, बड़े नेता कहे तो जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, नीतीश कुमार की बेहद करीबी हैं, उनसे जब सवाल पूछा गया अब भारत रत्न दिया जाए, इस तरीके का पोस्टर लगाया गया, तो उन्होंने कहा कि इसमें हैरानी की बात ही नहीं है, क्यों ना नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया। बिल्कुल, संजय झा ने कहा कि भाई नीतीश कुमार ने ग्लोबल स्तर पर बिहार की पहचान बढ़ाई है और साथ ही साथ विजेंद्र यादव जो नीतीश कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं उन्होंने कहा कि नीतीश को मिलना चाहिए, बयान भी आपने कवर किया था, हमने देखा। जी, लेकिन जेडीयू दफ्तर में नीतीश कुमार की इस रणनीति को लेकर जो प्लान बन रहा था उसमें जेडीयू के दूसरे नेताओं का क्या कुछ ओपिनियन था, क्या सोच रहे थे 2025 जीतने के लिए और क्या कुछ लक्ष्य रखा गया? आपने बताया था कि वहां से की वोट परसेंटेज जेडीयू का बढ़ाया, कुछ ऐसे इस मुद्दे पर भी चर्चा हो रही थी। जो लोकसभा जो चुनाव हुए थे, जो जेडीयू के शुभ संकेत है, जो उनका सीट आया 77 सीटों के ऊपर, अभी जेडीयू लोकसभा चुनाव को देखते हुए विधानसभा में 77 सीट है, तो ऐसे में सभी को 2024 के लोकसभा चुनाव में 77 सीटों पर, 77 विधानसभा की सीटों पर जेडीयू पहले स्थान पर रही, पहले स्थान पर, और 2025 में 225 सीट जीतने का ये लक्ष्य दिया गया है और संगत और पंगत ऐसे करके एक नारा दिया गया है और ये एक कार्यक्रम चलाया जाएगा जो उनके सहयोगी हैं। और उसके बाद जो 2025 का जो एजेंडा, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे जितने भी राजद हो, कांग्रेस हो, जो भी विपक्ष के नेता हो,
पार्टी वो जो हमलावर रहते हैं बाढ़ पीड़ित इलाकों के लेकर, तो उसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सोशल मीडिया पे एक हम लोग का मुहिम छेड़ा जाए, एजेंडा सेट किया जाए कि मुख्यमंत्री ने किस तरीके से बाढ़ पीड़ित इलाकों में काम किया। बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन, उनके कामों को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाई जाए, इस बात की चिंता जनता दल नजद के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में हुई। इस बैठक में यह भी तय किया गया कि नीतीश कुमार के कामों को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाए। ऐसे में बिहार के अंदर बाढ़ के हालात पर भी चर्चा हुई। बाढ़ पर पिछले सरकार में जब लालू राबड़ी के शासनकाल में बाढ़ होते थे, तब बाढ़ पीड़ितों को क्या कुछ राशि दी जाती थी, क्या कुछ मुआवजा दिया जाता था, उनके खाने पीने की क्या कुछ बंदोबस्त किए जाते थे, इस पर भी चर्चा हुई। और तारीफ जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने किया कि नीतीश कुमार के शासनकाल में जब बाढ़ आया तो देखिए किस तरीके से लोगों को मुआवजे के तौर पर 7,000 रुपए दिए जा रहे हैं, खाने पीने के लिए कम्युनिटी किचन का व्यवस्था किया गया है, और जो फूड पैकेट दिया जा रहा है उसमें भी जो सामान दिए जा रहे हैं वो उसकी भी पूरी तरीके से गुणवत्ता चेक की जा रही है। तो ये नीतीश कुमार की उपलब्धियां हैं जिसकी चर्चा आज की जा रही थी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की उपलब्धियों के साथ जेडीयू का पूरा फोकस था कि वो अपने सहयोगी दल पर ये दबाव डाले कि 2025 में नीतीश के अलावा कोई दूसरा चेहरा ना हो। फिलहाल बीजेपी ने जो मुख्य सहयोगी है जेडीयू की, उसने कह रखा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही वो चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के तमाम नेता यह कह रहे थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव में जब सीटें कम हुई तब से यह कहा जा रहा था कि हो सकता है कि 2025 में बीजेपी नई शर्त रख दे। लेकिन जेडीयू इस बार 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार खुद कहते थे कि सीटें कम आई तो हम नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री बनना, लेकिन 2025 में नीतीश और उनकी पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, इस बात पर जोर दिया जा रहा है। नीतीश किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं, और यही वजह है कि जेडीयू हर मोर्चे पर नीतीश के लिए सीधे तौर पर फील्डिंग सेट करते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ये खबर जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय की है। इसके बाद अगली खबर की बात करें हम कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में किस तरीके से पप्पू यादव जब पहुंचे, जहां पर बाढ़ राहत शिविर लगाए गए वहां पर पप्पू यादव जब पहुंचे सांसद, तो उनको कई जगह शिकायतें मिली। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें वहीं की है। पप्पू यादव इस बात से नाराज भी थे, उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर आरोप भी लगाया कि नीतीश कुमार के अधिकारी बाढ़ पीड़ितों को सही मुआवजा नहीं दे रहे हैं, खाने पीने के सामान जो दिया जा रहा है वो खाने योग्य नहीं है। ये आरोप लगे। सदन, क्या लगता है कि बाढ़ पीड़ितों के बीच सियासत बाढ़ के नाम पर करना सही नहीं है? ये तो बाढ़ पीड़ित इलाकों में जिस तरीके से प्रत्येक वर्ष आता है और सियासत होती है, लेकिन इस बार जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामग्री जो भेजा गया उसकी मॉनिटरिंग वो खुद कर रहे थे, और जो अकाउंट में जो 7,000 रुपए जो भेजे गए और जिनके अकाउंट में नहीं गए पैसे, वो खुद उन्होंने कहा कि जो छूट गए हैं वहां से जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें, उनका एक डेटा बनाए, नंबर लिखे, जो नाम है उनका उनको फिर से भेजा जाए। और जिस तरीके से आपने कहा कि जो सामग्री जो भेजा गया वो खाने योग्य नहीं था, पप्पू यादव ने आरोप लगाया था। हालांकि ऐसी बात नहीं है, अधिकारी जो नीतीश कुमार का सख्त निर्देश है कि जो भी अधिकारी है वो जमीनी स्तर पर काम करें ताकि लोगों को दिक्कत नहीं आए। जिस तरीके से हवाई की बाढ़ पीड़ितों के बीच जो राशन की सामग्री दी जाती है या खाने पीने की जो किचन है कम्युनिटी किचन, जब बड़े अधिकारी पहुंचते हैं तो शायद उसकी तस्वीर बदली होती है, लेकिन औचक निरीक्षण या फिर पप्पू यादव जैसे दूसरे नेता जब जाते हैं तो कम से यही तस्वीर निकल कर सामने आती है, यह दावा किया गया। खैर, पप्पू यादव जो बातें कर रहे हैं वो बातें भी और वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल अगली खबर, ये खबर आपको प्रमोद कुमार, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, बीजेपी के नेता और बीजेपी विधायक, अपने इलाके में घूम रहे थे, स्थानीय लोगों ने इनको घेर लिया और घेर कर शिकायतों की लंबी जो है लिस्ट गिना दी। फिर क्या, विधायक जी आनंद फानन में ताव में आए और अधिकारियों को फोन लगा दिया। अधिकारी को फोन लगाया, जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो मंत्री जी अपने ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आग बबूला हो गए, गुस्से में लाल पीले हो गए। उन्होंने कहा कि आप लोग मजाक बना रहे हैं। ये पूरा बयान भी हम आपको सुना रहे हैं कि देखिए किस तरीके से बीजेपी विधायक ही अपने ही सरकार की पोल खोल रहे हैं। ये बच्चा जो डूब के मरा है, घर से निकला तो इसका पैर पानी में पड़ा, पूछ लीजिए आपके सीओ मैडम है, और उसी 5 साल के बच्ची घर से पानी में निकली उसके बाद उसका पैर स्लिप किया, मर गई। और ये पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये अनुकंपा वाला आपका कर्मचारी है, लग रहा है इसके बाप के घर से देना है। सीओ मैम को रिपोर्ट उल्टा सीधा, सीओ तो मैम लेडीज है, इतने ये बे डूबा है तब आई है, नहीं तो यो नहीं आती है, थानेदार के आने का सवाल ही नहीं है।
और इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर निकल के ये सामने आई कि आज तेजस्वी यादव विदेश में, बिहार में जब बाढ़ आता है, बिहार में जब मुसीबत होती है तो तेजस्वी बिहार में नहीं रहते हैं और अब तेजस्वी बाहर हैं तो आज सरकार ने उनका घर भी खाली करवा दिया। आज तेजस्वी यादव का 5 देशरत्न मार्ग का जो आवास जो डिप्टी सीएम होने के नाते उनको मिला था उसे खाली करने का फरमान मिला और अब सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम है वो उस घर में जाने वाले हैं। लिहाजा आज तेजस्वी यादव अपने सामानों के साथ बाहर जाना था उनको, सम्राट चौधरी के लोग पहुंचे थे 5 देशरत्न मार्ग में। क्या कुछ सदन वहाँ सीधे तौर पर हमने तस्वीरें देखी, तेजस्वी प्रसाद यादव के भी कुछ लोग थे और सम्राट चौधरी के भी लोग थे। अब वो एक प्रोटोकॉल होता है, वो डिप्टी सीएम को वो आवाज दिया जाता है। पूर्व में भी तारकेश्वर प्रसाद थे, हाँ, उसके बाद फिर महागठबंधन की सरकार बनी तो फिर वो आए, फिर उसके बाद 6 महीने से हालांकि वो रह रहे थे, लेकिन अब वो जो आवास है वो आवंटन सम्राट चौधरी को कर दिया गया है। और नेता प्रतिपक्ष के तौर जिस तरीके से एक्स के माध्यम से भी बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, तकरीबन 20 जिला जो है पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित है, तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष को बिहार में रहना चाहिए। ये कई बयान डिप्टी सीएम हो, दोनों डिप्टी सीएम सभी जो विपक्ष के नेता हैं उनके बयान आते हैं, यहाँ तक कि आज विजय सिन्हा डिप्टी सीएम का ये बयान है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक्स के माध्यम से कोई भी तस्वीर या कोई भी बातें नहीं रखनी चाहिए। उनको अगर इतनी चिंता है प्रदेश वासियों से तो वो बीच में लोगों के बीच में जाए, आंदोलन करें। जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं उनको अभी यहाँ नेता प्रतिपक्ष के नाते यहाँ से आए, एक दुबई से ट्वीट करते हैं तो एक सिंगापुर से ट्वीट करते हैं, तो ट्वीट खेलने से नहीं होगा, आपको लोगों के बीच में जाना होगा। बिल्कुल, तो आज तेजस्वी का 5 देशरत्न मार्ग वाला बंगला खाली करा लिया गया, अब तेजस्वी का नया ठिकाना होगा नेता विरोधी दल का आवास। फिलहाल तेजस्वी यादव विदेश घूम रहे हैं और इधर बिहार के लोग करा रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव नई सरकार बनाने का दावा करते हैं, लोगों के मुसीबत में आंसू पोंछने का भरोसा दिलाते हैं, लेकिन आज बिहार के 20 जिले तकरीबन बाढ़ से प्रभावित हैं और तेजस्वी विदेश की सैर पर हैं। इस पर भी खूब सवाल उठ रहा है। तेजस्वी यादव, जब बिहार के लोगों के आंसू आप मुसीबत में नहीं पोंछ सकते हैं तो फिर सत्ता मिलने पर क्या आप उनके दर्द को समझ पाइएगा, ये भी सवाल है। लाल, लगातार बिहार की सियासत की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।